हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल कीर्ति स्कोडिंग सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने जाना था व्हाट इज लूप एंड टाइप ऑफ लूप फॉर लूप वाइल्ड लूप एंड डू वाइल्ड लूप तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको फॉर लूप के बारे में अच्छे से बताएँगे डिटेल से तो हम जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि व्हाट इज़ फॉर लूप एंड हाउ टू यूज़ फॉर लूप हम फॉर लूप को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कंडीशन को रिपीट करने के लिए और फॉर लूप क्या है तो फॉर लूप क्या है एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लूप है जिसका सी प्रोग्रामिंग में कोई भी रिपीटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है फोर्थ तो हमने पहले ही देखा था ये एक कीवर्ड है ये एक वेल डिफाइंड की है जो पहले से ही सी प्रोग्रामिंग में डिफॉल्टेड है मैंने पहले से ही सी प्रोग्रामिंग में किया गया है इसको हमको कोई भी कंडीशन इसमें लिखना नहीं पड़ता ये पहले से ही जनरलाइज किया गया है और इसका फॉर्म भी है तो फॉर लूप एक बहुत ही पॉपुलर लूप है मतलब कि फॉर लूप का यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और रिपीटेड टास्क को कोडिंग में कंप्लीट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ किया जाता है तो हम लोग देख लेते हैं कि फॉर लूप में कितने कंडीशन होते हैं कितने टाइप होते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है तो हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म है फॉर लूप का यहाँ फॉर स्मॉल लेटर में लिखते हैं यानी लोअर केस में लिखते हैं लोअर केस और अपर केस मतलब तो आप जानते हैं लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर और अपर केस मतलब कैपिटल लेटर कैप में लिखते हैं तो इसके बाद हमारा स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है फिर यहाँ पर एक होता है सेमी कॉलन और एक होता है दो सेमी कॉलन यहाँ पर होता है और दो सेमी कॉलन में फर्स्ट में मेरा स्टेटमेंट लिखा जाता है जो लूप का इनिशियल स्टेटमेंट होता है मतलब किसी भी लूप को हम इनिशियलाइज करते हैं शुरुआत करते स्टार्ट करते हैं तो उसको हम पहले लिखते हैं फिर उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाता है वो मिड में लिखा जाता है फिर उसके बाद अगर इंक्रीमेंट होना है उसमें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट यहाँ इस थर्ड वाले पोर्शन में लिखा जाता है और फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट को रन करते हैं फिर यहाँ कंडीशन लिखते हैं कि हमको इस मिड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं कि हमको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं तो डू दिस एंड दिस एंड दिस हम यहाँ जितने भी टास्क लिख सकते हैं तो ये सिंटेक्स है ये जनरल फॉर्म है तो ये तो तीन जनरल हम लोग का सिंगल लूप में लिखा जाता है फोर लूप और तीन टास्क कंप्लीट करते हैं पहला एट फर्स्ट देयर इज ए इनिशियलाइजेशन द वैल्यू कोई भी वैल्यू हम यूजर से लिए हो पहले उस वैल्यू को हमको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है मतलब उस वैल्यू को स्टार्ट करना पड़ता है कि हम उस लूप को कहाँ से स्टार्ट करें स्टार्टिंग कंडीशन होता है फिर सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं कि लूप को टेस्ट किस प्रकार किया जाता है यानी कि वैल्यू उस वैल्यू ट्रू है फॉल्स है टेस्टिंग कहाँ तक वो लूप चलेगा अगर लूप में जो वैल्यू हम टेस्ट कर रहे हैं वो करेक्ट है तो लूप चलता रहेगा जहाँ पर वैल्यू अनसटिस्फाई का किया उसके बाद लूप रुक जाएगा यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ कंडीशन यानी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सेकंड वाला पोर्शन मेरा यहाँ टेस्ट काउंटर में और थर्ड पोर्शन होता है कोई भी पार्ट को इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो तो वो वाला भाग मेरा लिखाता है थर्ड पोर्शन में यहाँ पर तो ये सिंटेक्स को ये जनरल फॉर्म को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्म हम जितने भी नोट्स आपको दे रहे हैं वो बहुत ही जनरलाइज है और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लिखा हुआ है इसलिए आप सारे नोट डाउन कर लीजिए आपको अब हम कोडिंग की सहायता से एक बार दिखा देते हैं कि किस प्रकार से कोडिंग में हम फॉर लूप में कोई भी प्रोग्राम यूज़ करके बना सकते हैं तब तो हम आ जाते हैं कोडिंग में कोड ब्लॉक्स अब हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं यहाँ पर एक सोर्स फाइल हम बनाएंगे जहाँ पर हमको प्रोग्रामिंग करना है तो एक सोर्स फाइल बनाए हैं एक फाइल ले लिए हैं अब उसके बाद हम फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं तो पहले फाइल को हम सेव कर लेते हैं कोई भी नाम से हम फाइल को सेव कर सकते हैं तो उस नाम से सेव करेंगे तो हम फाइल को सेव कर लिए हैं रिपीड डॉट सी कोई भी आप नाम से सेव कर सकते हैं ये मैटर नहीं करता है ये रिपीटेड टास्क होने वाला है इसलिए हम रिपीट डॉट सी से फाइल को सेव कर लिए हैं हैच इंक्लूड फर्स्ट लाइन से शुरू किए इंटमेन जहाँ पर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसके बाद हम एक वेरिएबल मान लेते हैं हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ रन कर सकते हैं हम एक वेरिएबल मान लिए आई आई एक वेरिएबल मान लिए अब फॉर लूप को हम इनिशियलाइज करेंगे फॉर लूप को तो मेरा फॉर लूप में क्या है कंडीशन प्री कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन में हमको वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो हम वैल्यू आई को इनिशियलाइज कर लेते हैं आई इक्वल टू वन हम कोई वैल्यू वन से स्टार्ट करते हैं अब उसके बाद हम सेमी कॉलन देते हैं फिर उसके बाद आई हम कोई भी यहाँ कंडीशन कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके लिख सकते हैं मान लीजिए हम आई लेस देन इक्वल टू टेन यानी हमारा वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू टेन टेन से कम और टेन के इक्वल तक हमारा कंडीशन चलेगा ये यह यहाँ पर कंडीशन लिखाता है अब उसके बाद हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम आई इक्वल टू आई प्लस वन वन से हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लिए आई प्लस आई इक्वल टू आई प्लस वन यहाँ पर हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं हमको प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट स्टेटमेंट से हम प्रिंट करवा देते हैं आई के वैल्यू को तो हम प्रिंट करवाते हैं पर्सन डी प्रिंट में ठीक है और स्लेस एन का यूज कर लेते हैं लाइन चेंज होगा तो हमको बेटर लगेगा और भी प्रोग्राम को देखने में कॉमा के बाद आई क्योंकि हमको आई को प्रिंट करवाना है सेमी कॉलन से एंड देन वैल्यू को रिटर्न रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करवाए अब सेमी कॉलन से एंड अब उसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइलर रन कर तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं देखते यहाँ हैं, नो एरर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है अब रन कर लेते हैं तो रन किए देखिए यहाँ पर हम वन को पहले फोर लूप यहाँ चला इन वैल्यू का इनसेलाइजेशन हुआ इसका हम ड्राई रन करते हैं तो ऐसा होता है वैल्यू को इनसेलाइज किए आई इक्वल टू वन देन कंडीशन सेटिस्फाई किया कि आई वन वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू टेन लेस देन इक्वल टू टेन है तो प्रोग्राम रन किया उसके बाद वन प्रिंट हो गया देन वैल्यू हमारा आई प्लस वन हुआ यानी वन वैल्यू हमारा चेंज हो गया टू में फिर उसके बाद वैल्यू हमारा टू में चेंज हुआ फिर उसके बाद फिर से प्रोग्राम चला फिर उसके बाद हमारा वैल्यू थ्री में चेंज हुआ फिर से प्रोग्राम चला इस प्रकार से हमारा प्रिंट होते जा रहा है यहाँ पर अगर हम प्रिंट में हेलो लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम रिपीटेड टास्क टेन टाइम हो रहा है तो हेलो भी हमारा टेन टाइम प्रिंट होना चाहिए तो हम कंपाइल रन करके देखते हैं कि हेलो टेन टाइम प्रिंट हुआ है ये नहीं तो हम देखते हैं प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर हेलो टेन टाइम प्रिंट हो गया ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको लाइन चेंज एक बार कर लेते हैं यहाँ पर स्लैस एन का यूज़ करके तो अब इसके बाद हम देखेंगे कंपाइल रन करके तो देखिए यहाँ पर टेन टाइम हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है स्टेटमेंट टेन टाइम टेन टाइम हेलो प्रिंट हो चुका है तो यानी हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से कंपाइल और रन कर रहा है तो इसका हम ये समझ चुके हैं कि हमारा वैल्यू पहले इन्हें किया वन से वन से वैल्यू इन्हें किया देन उसके बाद कंडीशन चेक हुआ कि वन इज लेस देन टेन कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू प्रिंटेड हेलो प्रिंट हो गया अब उसके बाद और एक कंडीशन हमारा आई का वैल्यू चेंज होकर के टू हो जाता है चेंज होकर के टू हो जाता है यानी यहाँ आई प्लस वन है वैल्यू चेंज होकर के टू हुआ अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या टू भी लेस देन टेन है तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया फिर से हेलो प्रिंट हो गया फिर वैसे थ्री हुआ आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ थ्री भी लेस देन टेन है देन हेलो फिर से प्रिंट हुआ देन फिर से चेक किए फोर फोर भी लेस देन टेन है प्रिंट हुआ वैसी वैसी करते करते हमारा वैल्यू टेन में आया टेन भी लेस देन टेन नहीं है बट इक्वल टू टेन है तो फिर से हमारा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई किया और फिर से दस टाइम हेलो प्रिंट हुआ लेकिन जैसे ही फिर से आई का वैल्यू टेन से इंक्रीमेंट होके होकेलेवन हुआ तो इलेवन इज नॉट लेस देन इक्वल टू टेन तो कंडीशन इज फॉल्स देन लूप से ये टर्मिनेट हुआ और हमारा हेलो यहाँ पर देखे हेलो को टेन बार प्रिंट हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टाइम्स हेलो प्रिंट हुआ है जैसे ही वेलो आई का इलेवन हुआ वो लूप से टर्मिनेट किया तो अब हम फॉर लूप का यूज़ अच्छे तरीका से जान चुके हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में जानेंगे डिटेल्स से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलते रहे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स